गुल्ली बुल्ली और शॉन आज तालाब में मछलियां पकड़ने जाने वाले हैं और ये लोग बाबा और रॉड का इंतजार कर रहे होते हैं। शॉन कहता है कि आज तो मैं तालाब में से बहुत सारी मछलियां पकड़ूंगा गुल्ली बुल्ली। शॉन मैं तो तालाब के अंदर डुबकी मार के नहाऊंगा। तभी रॉड वहां पर अपनी बाइक से आ जाता है। अरे गुल्ली बुल्ली और शॉन, तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोग तैयार तो हो ना? हम बस बाबा के आते ही तालाब जाने के लिए निकलने वाले हैं। हम तो कब से तैयार होकर बैठे हैं रॉड, बाबा और तुम ही तब से देरी कर रहे हो। शॉन कहता है कि बाबा कब तक आएंगे रॉड? बस आते ही होंगे बाबा शॉन। और तभी बाबा अपने जादुई गुब्बारे से वहां पर आते हैं। बाबा कहते हैं कि गुल्ली बुली और शॉन मुझे माफ करना, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। चलो गुल्ली बुली और शॉन, जल्दी चलते हैं अब। और गुल्ली बुली, शॉन और रॉड बाबा के जादुई गुब्बारे के अंदर आ जाते हैं। बाबा कहते हैं कि बस 10 मिनट के अंदर हम तालाब के पास पहुंच जाएंगे। और ये लोग तालाब के पास जाने के लिए निकल जाते हैं। शॉन कहता है कि गुल्ली बुली वो देखो, कितना सुंदर लग रहा है ये तालाब ऊपर से। हाँ शॉन, बहुत मजा आएगा। और ये सभी लोग उस तालाब के पास आकर नीचे उतर जाते हैं और ये सभी लोग फिशिंग करने के लिए बैठ जाते हैं। बाबा मैं इस तालाब के अंदर तैरना चाहता हूँ, उसके बाद आकर फिशिंग करूंगा मैं। बाबा कहते हैं कि ठीक है जाओ बुल्ली, लेकिन किनारे किनारे ही तैरना और ज्यादा दूर मत जाना। और फिर बुल्ली पानी के अंदर कूद कर स्विमिंग करने लगता है। लेकिन बुल्ली स्विमिंग करते करते थोड़ी दूरी पर आ जाता है और तभी बुल्ली देखता है कि एक नाव तैरती हुई उसकी तरफ ही आ रही है। बुल्ली कहता है कि बाबा और रॉड, बुल्ली मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे बुल्ली की चिंता हो रही है। बाबा कहते हैं कि यहीं स्विमिंग कर रहा होगा गुल्ली, चिंता मत करो तुम। बाबा मुझे लगता है गुल्ली ठीक कह रहा है, क्या पता ऐसे ही तैरते हुए कहीं दूर चला गया हो। लेकिन तभी शॉन देखता है कि पानी में से एक मॉन्स्टर इन लोगों को देख रहा होता है। बाबा वो देखिए, हमें कोई पानी के अंदर से देख रहा है। कौन हो तुम? बाबा, तुम्हारा साथी बुल्ली हमारे कब्जे में है। अगर तुम उसको वापस पाना चाहते हो तो ग्रैनी के ठिकाने पर एक घंटे में पहुंच जाना, नहीं तो तुम्हारे साथी को मार डालेंगे हम। तभी बाबा पानी के अंदर कूद जाते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर बुल्ली को लेकर ऊपर उड़ जाता है। और फिर बाबा वापस पानी के बाहर निकल आते हैं। बाबा हमें बुल्ली को बचाना ही होगा। हाँ बाबा, हमें बुल्ली वापस चाहिए कैसे भी। चलिए बाबा, हमें जल्दी करना होगा। और ये सभी लोग जादुई गुब्बारे में आ जाते हैं और जाने लगते हैं ग्रैनी की घर की ओर। और थोड़ी ही देर में ये लोग ग्रैनी के ठिकाने पर पहुंच आते हैं। बाबा ये जगह तो मुझे बहुत डरावनी लग रही है। रॉड कहता है कि बाबा यहाँ तो मुझे भी डर लग रहा है। तभी एक उड़ने वाला राक्षस इनकी तरफ आता है। कौन हो तुम लोग? तुम्हारी ग्रैनी ने हमारे दोस्त बुल्ली को किडनैप कर लिया है और हमें मिलने को बुलाया है। बताओ कहाँ है ग्रैनी? आओ चलो मेरे पीछे पीछे। और ये सभी लोग उस राक्षस का पीछा करते हुए जाने लगते हैं। शॉन कहता है कि बाबा मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं हूं ना शॉन तुम्हारे साथ, चिंता मत करो। और वो राक्षस इन लोगों को ग्रैनी के पास पहुंचा देता है। और अरे ये तो ग्रैनी के साथ साथ में बॉब द किलर भी है। बॉब द किलर, तुम यहां पर क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें मेरी पुरानी मार याद नहीं है? चुप हो जाओ बाबा, अब मेरा साथी है ये बॉब द किलर, और तुम बॉब द किलर से कुछ भी ऐसा नहीं कह सकते हो। तुम रोकोगी मुझे ग्रैनी? चुपचाप मेरी बात सुनो बाबा, नहीं तो तुम्हें बुल्ली कभी नहीं मिलेगा। रॉड कहता है कि पहले हमारे बुल्ली को हमें दिखाओ ग्रैनी। और ये सुनते ही तभी बॉब द किलर एक जादुई गोले में बुल्ली को दिखाता है।
देख लिया अब चलो चुपचाप ग्रैनी की बात सुनो। ग्रैनी कहती है, देखो बाबा, मुझे तुम लोगों की मदद चाहिए। मुझे एक दवाई बनाने के लिए 3 चीजों की जरूरत है। अगर तुम ये 3 चीजें मुझे लाकर दे दो तो मैं बुल्ली को तुम्हें वापस लौटा दूंगी। बाबा कहते हैं कि क्या हैं ये 3 चीजें। मुझे पहली चीज एक शेर का दिल चाहिए, दूसरी चीज है एक बड़े सांप का जहर, और तीसरी चीज है एक बड़े चमगादड़ की आंख। अगर शेर का दिल और उस सांप का जहर और साथ ही चमगादड़ की एक आंख तुम मुझे लाकर दे दो तो बुल्ली को मैं सही सलामत तुम्हें सौंप दूंगी। शॉन कहता है कि सबसे पहले तो शेर का दिल हमें मिलेगा कहाँ, उसके बाद में हमें एक सांप से लड़कर उसका जहर निकालना होगा, और लास्ट में ये ग्रैनी कह रही है कि हमें एक चमगादड़ की आंख निकालनी है। बाबा मना कर दीजिए। बाबा कहते हैं कि हमें बुल्ली के लिए ये करना ही होगा शॉन, और मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तो दोस्तों, क्या ये लोग ग्रैनी की ये 3 चीजें लाकर दे पाएंगे? क्या ये लोग बुल्ली को बचा पाएंगे? क्या होगा अब आगे की स्टोरी में, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस कहानी का पार्ट 2। पार्ट 2 देखने के लिए आपको इस वीडियो के नीचे कमेंट करना है पार्ट 2, और साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए, ताकि जैसे ही मैं इसका पार्ट 2 अपलोड करूं तो आप उसको सबसे पहले देख सकें।